रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कुनाफा। जी हाँ, बिल्कुल कुनाफा बन रहा है आज, और वो भी विदाउट ओवन बनेगा, और साथ साथ ये विदाउट चीज़ के बनेगा। ये चॉकलेट कुनाफा बनेगा जो कि बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये व्हिप्ड क्रीम है, इसको मैंने व्हिप्ड करके रखा हुआ है, थोड़ा सा और व्हिप्ड करूँगी इसको मैं। ये व्हिप्ड क्रीम है, ये मेरे पास नोटेला थी, ये मैंने 3 टेबलस्पून नोटेला लिया। आपकी मर्ज़ी, जितनी चॉकलेट पसंद करते हैं उतनी चॉकलेट शामिल कर दीजिएगा। ये 4 टेबलस्पून मेरे पास बटर है, साथ में ये मेरे पास जो है वो फेनियाँ हैं, और ये फेनियाँ हैं, आप चाहें तो नॉर्मल वाली सेवइयों से भी बना सकते हैं। सेम आप लोग को मेथड फॉलो करना होगा, और इसकी जगह अगर आपके पास फेनियाँ हैं तो फेनियाँ यूज़ करें, और अगर आपके पास फेनियाँ नहीं है तो फिर आप नॉर्मल वाली सेवइयाँ जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फेनियाँ क्योंकि ऑलरेडी चिकनी होती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी बटर में ही ये तमाम फेनियाँ जो हैं वो मेल्ट यही करेंगे कि उसी बटर में ये अच्छे तरीके से सोक हो जाए। दबा दबा के इस तरह से ठीक है, और नॉर्मल वाली सेवइयां लेंगे तो बटर थोड़ा सा उसमें ज्यादा जाता है, लेकिन सेम ही प्रोसेस से कीजिएगा। देखें ठीक है, ऐसे प्रेस करके देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक। मैंने केक का टिन ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर से ही, ठीक है। अब हम ये करेंगे, इसमें हम अपनी फेनियाँ की एक लेयर बिछाएंगे। पतीली को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने रख दिया है, ठीक है। इवनली हर जगह इवन होना चाहिए, जहाँ कम लग रहा है वहाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा बचाएंगे क्योंकि ऊपर से भी तो लेयर देनी है ना हमें। इस तरह से एक प्याली लेके अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिपके और हमारे पास जो है वो इवन भी हो जाए, और जब ये बेक होकर बाहर आए तो अच्छे तरीके से बेक हुआ। साइड्स प्रेस करनी है इस तरह से, यहाँ थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैं यहाँ और थोड़ा सा शामिल करूँगी। प्रेस करेंगे, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हम इसे जो मैंने प्री हीट करने के लिए पतीली रखी है उसमें 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। थोड़ा सा नीचे से गोल्डन हो जाएगा, फिर इसको प्लेट में निकालेंगे, फिर पलट के फिर इसी तरीके से दोनों साइड्स को हमने करना है, ठीक है। ये करेंगे हम, अच्छा चीनी इसलिए मैं शामिल नहीं करी क्योंकि अभी हम मैं इसका शुगर सिरप बनाऊंगी। सेकंड, मेरी जो व्हिप्ड क्रीम है वो ऑलरेडी मीठी है, मैंने वीपी व्हिप यूज़ की है, वो ऑलरेडी मीठी होती है, तो एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो नोटेला है ये ऑलरेडी मीठी होती है, तो एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा मिठास हो जाएगी। बस मैं इसको पतीली में रखती हूँ, दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने प्री हीट कर लिया था, इसमें हम ये केक का पैन रखेंगे, और नीचे मैंने देखें इस तरह से स्टील की एक कटोरी रख ली है ताकि इसकी बेस बनी रहे, ठीक है। अब मैं इसको कवर करूँगी और ऑन एंड ऑफ इसको चेक करती रहूँगी, जैसे ही ये नीचे से लाइट सा गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसकी दूसरी इसको पलट देंगे, फिर दोबारा दोनों साइड से इसको गोल्डन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें व्हिप क्रीम नीचे और क्रीम सॉरी चॉकलेट की लेयर करके देन एक और लेयर बिछाएंगे। एक तो बेक हो रहा है पतीली में, दूसरे के लिए मैंने ये किया है कि ये मैंने नॉन स्टिक का पैन ले लिया है, इसकी भी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हमें गोल्डन करना होता है, तो बस इसको भी मैं उसी तरीके से डायरेक्ट बिल्कुल धीमी आंच पे मैं तवे के ऊपर रख दूंगी, और उसके बाद ये दोनों साइड्स हो जाएंगी, बीच में व्हिप्ड क्रीम डालेंगे, चॉकलेट डालेंगे, आपके सामने करते हैं। ये दूसरा वाला भी मैं चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ, तवे के ऊपर, ठीक है। इसको पलट दूंगी, दोनों तैयार हो जाएंगे आपके सामने। मैंने ऑलरेडी व्हिप्ड कर लिया था इसको, अब मैंने इसमें नोटेला शामिल कर दी जो मैंने आपको बताई थी, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि व्हिप्ड क्रीम थोड़ा सा थिक रहती है अगर ठंडी रहे तो। बस मैं ये करके इसको मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने शुगर
सिरप बनाया है, इसमें मैंने हाफ कप पानी लेकर उसमें चीनी 3 टीस्पून डालकर और सिर्फ चीनी घुल जाने तक के लिए पकाया है। चीनी घुल गई, एक छोटी मैंने इलायची डाली थी खुशबू के लिए, अगर आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है, नहीं चाहते तो नहीं डालें, इससे अच्छी खुशबू आ जाती है। तो ये शुगर सिरप हमारे पास तो तकरीबन 10 मिनट मैंने उसी तरीके से पतीले में मैंने बेक कर लिया, और ये मैं शुगर सिरप को ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं ब्रशिंग से इस तरह से सोक करूंगी, इस तरह से। ठीक है। और अगर चाहें तो और बस मेरे हिसाब से शामिल करेंगे इस तरह से, कवर करेंगे बिल्कुल स्लो स्लो ताकि इवनली हर जगह हो जाए। आपके पास चॉकलेट चिप हो तो यहाँ यहाँ आप चॉकलेट चिप भी शामिल कर दीजिएगा। और जो दूसरा वाला था जो मैंने फ्राइंग पैन में किया था वो भी हो चुका है, बस हम इसको इसके ऊपर कोट करेंगे, आपको दिखा दूँगा मैं फाइनल। ठीक है, टॉपिंग पे जो दूसरा वाला था उसकी भी मैंने लेयर कर दी है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ और आगे आप भी तैयार है हमारा चॉकलेट कुनाफा व्हिप्ड क्रीम के साथ। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।